जय श्री राम। आज हमारे पाठ का 95वां दिन है। इस पाठ में हम श्री रामचरितमानस के सप्त सोपान उत्तरकांड का पाठ कर रहे हैं। श्री रामचरितमानस की बाकी वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हे नाथ, ना तो मुझे कुछ संदेह है और ना स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, यह केवल आपकी ही कृपा का फल है। तथापि हे कृपा निधान, मैं आपसे एक दृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले हैं। इससे मेरी दृष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझा कर कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण गुण असंख्य हैं, जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संत और असंतों की तरनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से सुवासित कर देता है। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। संत विषयों में लंपट लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे सब में सर्वत्र सब समय समता रखते हैं। उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है। वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी संतजन मेरे प्राणों के समान हैं। उनको कोई कामना नहीं होती। वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति वैराग्य विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता सरलता सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है, जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हों उसको सदा सच्चा संत जानना। जो शम मन के निग्रह दम इंद्रियों के निग्रह नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते, जिन्हें निंदा और स्तुति बड़ाई दोनों समान है और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संतजन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। अब असंतों दुष्टों का स्वभाव सुनो। कभी भूलकर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हरहाई बुरी जाति की गाय कपिला सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है, दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति सुख देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहां कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं वहां ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि खजाना पा ली हो। वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से वैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है, झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है। अर्थात वे लेने देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं अथवा झूठी डींग हाका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खाकर आए, अथवा चबेना चबाकर रह जाते हैं और कहते हैं हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब यह है कि वे सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सांपों को भी खा जाता है, वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं। वे दूसरों से द्रोह करते हैं
और पराई स्त्री पराए धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पाप में मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही हैं। लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही बिछोना होता है, अर्थात लोभ ही से वे सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसे दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो, और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हों। वे स्वार्थ परायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। वे माता, पिता, गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है, न भगवान की कथा ही सुहाती है। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, राग युक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सत्ययुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है, इस बात को पंडित लोग जानते हैं। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग्य फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं वे संसार के प्रवाह को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। हे तात, सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक सब गुण और दोष हैं। इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही न देखे जाएं। इन्हें देखना ही अविवेक है। भगवान के श्रीमुख से ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदयों में समाता नहीं। वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। तदनंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देखकर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे सनकादि मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान, ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान हैं। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु, मुनि, ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। हे समस्त नगर निवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनीति की बात कहता हूँ, और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो, और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय भुलाकर बेखटके मुझे रोक देना। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है।
कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। जो पारस मणि को खोकर बदले में घुंघची ले लेता है उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज चार खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुण से घिरा हुआ, इनके वश में हुआ, यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी विरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। यह मनुष्य का शरीर भवसागर से तारने के लिए बेड़ा जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से ना तरे वह कृतघ्न और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न है। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति ही संस्कृति जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं। वह है मन, कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ, जप, तप और उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता ना हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ। हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ। ना किसी से वैर करे, ना लड़ाई झगड़ा करे, ना आशा रखे, ना भय ही करे। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हैं। जो कोई भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसकी घर में ममता नहीं है, जो मानहीन, पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है, संत जनों के संसर्ग सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तृण के समान है, जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है, जो मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के परायण है एवं ममता, मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त है। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता, पिता, गुरु, भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। और हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर, धन, घर, द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थ परायण हैं, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते।
हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप, दूसरे आपके सेवक। जगत में शेष सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभो, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर गए। शिवजी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं, जहां स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहां आए, जहां सुंदर सुख के धाम श्री राम जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरणों, मनुष्योचित चरित्रों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह भ्रम होता है। हे भगवन, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। पुरोहिती का कर्म पेशा बहुत ही नीचा है, वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। आज बस इतना ही पाठ, आइए थोड़ा नाम जप करते हैं। राम 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 राम। जय श्री राम।